नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर हरदोई शाहबाद से। कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम पर खेलकर कोरोना योद्धाओं ने नागरिकों की सेवा की है। हम इन सभी योद्धाओं के लिए आभारी हैं। कोरोना योद्धा डॉक्टर, पुलिस, पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व कर्मी, सफाई कर्मचारी, सब्जी बेचने वाले दुकानदार, सभी ने कोरोना योद्धाओं के रूप में आम जनमानस की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी सरकार हमेशा पत्रकार बंधुओं के हित और सम्मान के लिए अग्रणी है। ये विचार भाजपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री हीरा ठाकुर ने विशाल विचार बैनर तले विकासखंड की ग्राम पंचायत दरी नगला में आयोजित कोरोना योद्धा सम्मान समारोह के बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए कहा। सफाई कर्मचारी एक कोरोना योद्धा के रूप में कोरोना काल में बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई थी। इन सभी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। विशाल विचार के स्थानीय संपादक जितेंद्र वाजपेयी, ब्यूरो प्रमुख सिकंदर शाह, राजीव दीक्षित, पवन दीक्षित, कपिल हरदोई, जिला संवाददाता मदन सिंह, मोहम्मद आसिफ सीबू की अगुवाई में आयोजित कोरोना योद्धा सम्मान कार्यक्रम में कोरोना काल में एक नायक के रूप में भूमिका कोरोना वॉरियर्स ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक दूसरे का सहयोग करने वाले कर्मचारियों, कोरोना काल में अपनी लेखनी से जन जागरण करने वाले लखीमपुर सहित पड़ोसी जनपदों से आए पत्रकारों, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारियों को आयोजक मंडल तथा मुख्य अतिथि के द्वारा प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। ये काम करके जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस गांव में कहावत है, बाप हमारी मूंगफली बेटन की रंगदार। हम नेता किसी का घर बेच के नहीं बने हैं, हम नेता किसी की जमीन लूट के नहीं बने हैं, हम किसी की सेवा करते हैं। आपको मालूम है, हमारे नेता जांच फर्नाडी हुआ करते थे, हमारे नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हुआ करते थे, हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे, हमारा नेता हरिकेवल प्रसाद हुआ करते थे और नकीम में नंगा हुआ करते थे। हरदोई संवाददाता दुर्गेश कुमार की रिपोर्ट।